हेमलोक जी, वी आर बैक विद एन अदर व्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। तो गाइज़, मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं जामिया अशरफिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जामिया अशरफिया के अंदर आ चुके हैं, और ये जो आपको गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये बहुत सारी, आज बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं। इनकी वजह क्या है? इनकी वजह ये है कि आज जो है इतवार का दिन है, और इसके साथ साथ लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे इतवार के दिन बयान होता है। और बयान किस वजह से होता है? बयान इस वजह से होता है कि भाई जो हज के लिए जा रहे हैं उनको हज के अहकाम वगैरह बताए जाते हैं कि भाई आपने हज के लिए जाना है और कैसे, क्या मतलब, क्या काम करने और क्या नहीं करने, किन से परहेज़ करना और कौन से काम करने हैं। तो जाते हैं, देखते हैं, मस्जिद की तरफ भी जाते हैं, लेकिन मस्जिद में मैं कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मस्जिद के अदाब के ख़िलाफ़ है। और इसके साथ साथ मैं अंदर आपको जामिया अशरफिया के जो मस्जिद है, जामिया मस्जिद हसन, उसके अंदर मैं लेके जाता हूँ। और वहाँ पर एक हौज़ बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का VIP हौज़ बना हुआ है, और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं जामिया अशरफिया की मस्जिद और हौज़। सो गाइज, हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। हम आपको मस्जिद भी दिखाऊंगा, और सबसे पहले मैं आपको वो हौज़ वगैरह दिखाऊंगा जो हौज़ बना हुआ है। मैं आपको जामिया का हौज़ भी दिखाता हूँ। आइए हमारे साथ। ये हौज़ बना हुआ है जामिया का, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इसके अंदर जो मछलियाँ वगैरह, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा गाइज, ये जो आपको बुलबुले वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये मछलियाँ वगैरह अंदर तैर रही हैं। बिल्कुल साफ़ नहीं नज़र आ रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह जब ज़िंदगी रही तो आएँगी दोबारा, आपको फिर मैं दोबारा मछली वगैरह दिखाऊँगा। अब हम जाने लगे हैं मस्जिद के अंदर, और जो बयान वगैरह हो रहा है वो भी थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। इसलिए खवातीन हजरात, पाकिस्तान से जाने वाले आमतौर पर हज इतमान भी नहीं करते, हज इफराद भी नहीं करते, सिर्फ हज तमत्तु करते हैं। अलबत्त बिल्कुल आखिरी फ्लाइट्स जो होती है, बिल्कुल आखिरी पर जाने वाले फ्लाइट। सो गाइस, मस्जिद है, मैं इस वजह से आहिस्ता से बोलूँगा। आपने देखा माशाल्लाह, मौलाना यूसुफ़ ख़ान साहब जो इस मदरसे के शेखुल हदीस हैं, और बहुत ही उम्दा किस्म के उस्ताद है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं। इनका जो सबक किसी को मिल जाए वो उसके लिए बहुत सआदत की बात है। अल्लाह से दुआ है कि इनका सबक हमें भी नसीब हो। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का बयान करते हैं, इनका बयान सुनने का एक अपना मज़ा आता है। तो इस जगह पर मैं व्लॉग का एंड करता हूँ। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, और इसके साथ साथ मैं आपसे एक गुजारिश भी करता जाता हूँ, वो क्या कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।